सब्सक्राइब कीजिए पॉपकॉर्न टॉक पर और उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फिल्मी अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्वल की फेज 4 और फेज 5 में आने वाली सभी मूवी के बारे में जो 2020 से 2022 तक आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फेज 4 की पहली मूवी है ब्लैक विडो और ब्लैक विडो रिलीज होगी मई 1, 2020 को। यह एक्शन थ्रिलर मूवी है और ब्लैक विडो की पूरी तरीके से ओरिजिन बताई जाएगी हमें ये मूवी में कि किस तरीके से नताशा रोमन ऑफ ब्लैक विडो बना और इस मूवी में हमें नया ब्लैक विडो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और फेज 4 की दूसरी मूवी है इटर्नल्स जो कि स्पेस का एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट में रहता है जो कि थैनोस की प्लैनेट से बिलोंग करता है। इटर्नल्स और थैनोस एक ही प्लैनेट में रहते थे। जिस मूवी में लीड एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली इस मूवी में एक्टिंग करेंगे और रिचर्ड मैडन भी इस मूवी में है। ये रही दो फिल्में जो कि फेज 4 की है। अब बात करते हैं फेज 5 के बारे में। तो फेज 5 की पहली मूवी है शेंगची। जी हाँ दोस्तों, शेंगची एक एशियन हीरो है जो कि चाइना से बिलोंग करता है और मार्वल की हर फिल्म चाइना में रिलीज होती है सबसे पहले और ब्लॉकबस्टर जाती है। तो मार्वल ने इस बार सोचा कि चाइना का कोई सुपर हीरो हमें बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये मूवी रिलीज होगी फरवरी 12, 2021। और आप बात करते हैं फेज 4 की एक और मूवी के बारे में जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के माध्यम से हमें मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होंगे स्कारलेट विच यानी वांडा। जी हाँ दोस्तों, वांडा भी हमें नज़र आएंगी इस मूवी में और ये मूवी रिलीज होगी मई 7, 2021। और फेज 4 की आखिरी मूवी है दोस्तों थॉर लव एंड थंडर। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने भी थॉर रैंगारोक देखा उन लोगों ने तो थॉर के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका है, खास करके मार्वल फैंस। अब थॉर का चौथा पार्ट रिवील कर दिया गया है जो कि आएगी नवंबर 5, 2021 में। ये सारी मूवी है दोस्तों फेज 4 की और फेज 4 की आखिरी मूवी है थॉर। इसके साथ फेज 4 खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं फेज 5 के बारे में। दोस्तों फेज 5 की पहली मूवी है ब्लैक पैंथर 2। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक पैंथर एक बहुत मेगा ब्लॉकबस्टर हिट थी जो कि मार्वल की सबसे कमाई करने वाली मूवी में से एक है और इस मूवी का सीक्वल बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। और फेज 5 की पहली मूवी होगी ब्लैक पैंथर 2 जो कि रिलीज होगी मई 6, 2022 पे। दोस्तों फेज 5 की सिर्फ यही मूवी रिवील कर दिया गया है और किसी मूवी के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फेज 5 में और कौन कौन सी मूवी आएगी और इनमें से एक कंफर्मेशन निकल कर आई है जो है सिल्वर सफर। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर सफर आ सकती है फेज 5 की मूवी में। हाल ही में ये न्यूज आया है कि फेज 5 में सिल्वर सफर की रोल को लेकर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है मार्वल में और बहुत जल्दी इस मूवी की अनाउंसमेंट भी हमें कर दिया जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि फेज 5 में सिल्वर सफर की एक मूवी है। तो नेक्स्ट फेज 5 की मूवी की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है शायद फैंटास्टिक 4 या डेडपूल 3। जी हाँ दोस्तों, डेडपूल अब हमें मार्वल की हर फिल्म में नजर आएगा। वो कैमियो हो सकता है या डायरेक्ट अपीयरेंस भी हो सकता है क्योंकि डेडपूल का यूनिवर्स एक आर रेटेड यूनिवर्स है और मार्वल हमेशा PG-13 मूवी बनाता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि डेडपूल का मूवी मार्वल के अंदर आर रेटेड रखा जाता है या PG-13। तो दोस्तों कैसा लगा अपडेट? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।